अरे भैया, लोगों के पूरे पूरे घर चले गए हैं रोड चौड़ीकरण होने में। इसी वजह से यहाँ की पब्लिक बहुत ही परेशान है। किसी को जैसे गरीब लोग हैं उनको ठीक से जैसे लेबरी करने वाले हैं तो उनको इस टाइम कोई पूछता नहीं है। एकदम परेशान हो गई है जनता यहाँ की। इसी वजह बस यही कारण है हाँ बीजेपी यहाँ पे हारी है। कैंडिडेट सही नहीं था यहाँ का ना, जो है जो भी यहाँ तोड़ाई फोड़ाई हुई कोई कोई हाल चाल ही नहीं लेने आया कि क्यों आपका मकान टूट रहा है, क्या मुआवजा मिलेगा, कुछ होगा या नहीं होगा, इसीलिए यहाँ से भाजपा हार गई। देखिए, राजनीति का दौर है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि अयोध्या में बहुत सारे इशू है कि लोगों में आक्रोश रहा, जैसे कि आपने देखा हो चौड़ीकरण हुआ, व्यापार मंडल भी नाराज हुआ, संत महंत भी नाराज हुए। तो इस राजनीति में बहुत से हमारे यहाँ के व्यापारी मंडल के लोगों ने बहुत कुछ कहा, लोगों से कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी, उसी का आक्रोश है कि इसमें राजनीति ना। बीजेपी ने हालांकि काम भी बहुत अच्छे अच्छे किए यहाँ पे, आपने देखा होगा 500 वर्ष पुराना जो मुद्दा था वो बीजेपी ने ही ख़त्म किया है। आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रास्ताएँ इतनी अच्छी अच्छी बन गई हैं, सरजू का नवीनीकरण हो गया है। ये पता नहीं राजनीति में कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, बड़ा दुख हुआ, बीजेपी को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी राम मंदिर का निर्माण और इतना बढ़िया अयोध्या का सौंदर्यीकरण, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत हुआ, शायद भगवान राम की यही इच्छा थी। क्या वजह थी? मेरा मानना है वजह देखिए, आला कमान अधिकारी लोग हो सकते हैं, प्रशासन हो सकते हैं, चूँकि अयोध्या के जो व्यापारी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, इनको असुविधाएँ हो रही हैं और इनका रोज के प्रति मतलब व्यवहार इनका गलत व्यवहार होता था यहाँ के रहने वाले आम पब्लिक की वजह से। इसी वजह से शायद ये जो क्रोध था या जो आला अधिकारियों के प्रति जो बर्ताव था, ये बीजेपी के ऊपर जाकर के गाज गिरी। इसकी व्यापारी बंधु भी नाराज थे बीजेपी से, चौड़ीकरण का मुआवजा नहीं सही से दिया गया, कई तरीके की परेशानियां यहाँ पब्लिक को होती थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने श्री अवध धाम के लिए, अयोध्या के लिए जितना कुछ कर सकती थी उतना सब कुछ उसने किया। रही बात हार जीत की, तो अयोध्या धाम के बाहर बाह्य क्षेत्रों में जो देहाती देहात का जो क्षेत्र था, जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज़्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे, उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। उसके साथ साथ बेहद शर्मनाक है कि श्री अवध धाम में जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 500 वर्षीय काले इतिहास को उज्जवल भविष्य के रूप में परिवर्तित किया, अयोध्या को नया आयाम दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या की सड़कों को बढ़िया सुंदर बना करके यहाँ के व्यापारियों को एक सुंदर रोजगार दिया। सारे व्यापारी नाराज थे, इस बात का कष्ट सबके मन में था, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यापारियों को व्यापार की अच्छी दिशा भारतीय जनता पार्टी के नाते मिली उसको व्यापारी गण भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत दुखद है कि अवध धाम में, अयोध्या में हमारे रामलला का जिन्होंने भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कराया, ऐसे में उनको पराजित होना पड़ा। ये हम सब के लिए, हिंदू जनमानस के लिए शर्मनाक है, हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, चिंतन किया जाएगा। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, चार प्रदेशों में मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पुनः सभी लोगों से निवेदन है कि आगे से इस पर ध्यान दें। अयोध्या के लोगों ने तो यहाँ पर भाजपा को जिताया, अयोध्या विधानसभा से भाजपा जीती है और अन्य विधानसभाओं में भाजपा को हार मिली है। अब उसके बहुत से कारण होते हैं, उतार चढ़ाव जीवन का क्रम है, हार और जीत भी जीवन का क्रम है, अगर आज हारे हैं तो कल जीतेंगे। तो यहाँ की जनता ने भाजपा को वोट दिया, अयोध्या विधानसभा में भाजपा जीती, अन्य जगह क्या कारण रहे अब उसको तो जो भाजपा का संगठन है वो देखे, प्रदेश संगठन से विचार करे कि संगठन की कमी रही या जो जनप्रतिनिधि विधायक थे उनसे जनता नाराज रही उसका रिएक्शन हुआ। बहुत कारण होते हैं हार जीत के, जिससे कि जाति समीकरण के ऊपर चुनाव होता है उसको नजरअंदाज किया भाजपा ने,
और कुछ मुझे लगता है ज्यादा आत्मविश्वास भाजपा में हो गया, वो भी एक हार का कारण बन सकता है। इसने ईमानदारी से कार्यकर्ता लगता था पहले, इस चुनाव में मुझे वो लगता नहीं दिखाई पड़ा। तो गर्मी का मौसम भी इसका वो रहा, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता वोटर जो है वो मध्यम वर्गीय है और उसने गर्मी के कारण कुछ मतदान भी कम हुआ, विकास हुआ, लेकिन जब मतदान नहीं हो गए, मतदान का प्रतिशत कम हुआ, तो उससे क्या मतलब है विकास। ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी, और ये सच है कि भाजपा के आने के बाद ही अयोध्या का विकास हुआ था, लेकिन इस बात का घमंड कुछ नेता लोगों में हो गया था। अयोध्या नगरी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राजा राम कहा जाता है। उनके आगे रावण जैसे प्रकांड पंडित का घमंड नहीं चला तो बीजेपी का घमंड क्या चलेगा। उनको ये घमंड था कि वो राम को लाए, जबकि राम इस संसार के रचयिता, इस संसार के रचयिता को लाने का साहस और दुस्साहस कोई कर नहीं सकता, ये घमंड उनको ले डूबा।